आज हम बनाएंगे मटन चुस्ता, जो कि बिहार की सबसे ज़्यादा पॉपुलर डिश है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए देर ना करते हुए इसे कैसे बनाया जाता है देख लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल, और तेल जैसे ही गर्म हो जाए उस पर कुछ साबुत गर्म मसाले जैसे लौंग, इलायची और शाहजीरा मैंने यहाँ पर ऐड किया है, और इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसे ही ये फ्राई हो जाए उस पर हमें डालना है 2 बड़े साइज का कटा हुआ प्याज, जिसे हमने पतले लंबे स्लाइस में काट लिया है, और प्याज को हमें अच्छे से यहाँ पर मिक्स करते हुए पकाना है। प्याज को भूनना बहुत ज़रूरी होता है, तभी इसकी जो ग्रेवी बनती है ना बहुत अच्छी बनती है। तो प्याज को हमें अच्छे से लो फ्लेम पर भूनते हुए हम पका लेंगे, और जब तक हमारी प्याज इधर पकती है तब तक हम दूसरी तैयारी भी कर लेते हैं, है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं मसाला। तो मसाले में हमने ले लिया है सूखी हुई लाल मिर्च ले लिया है 5, 10 काली मिर्च ले लिया है, 1 चम्मच धनिया का बीज, 10 लहसुन और 2 इंच अदरक का टुकड़ा। इन सभी को मिक्सर जार में डालेंगे। और उसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़े साइज का टमाटर, जिसे हमने पतले लंबे स्लाइस में काट लिया है। इन दोनों को अच्छे से पीस लेते हैं, और ये देखिए हमने बहुत अच्छे से मसाले को पीस लिया है, और इसे रखते हैं साइड में। इधर देखते हैं प्याज, प्याज भी हमारी बहुत अच्छे से पक गई है। ये देखिए प्याज ट्रांसपेरेंट हो गई है, मतलब प्याज अच्छे से कुक हो गई है। इसी स्टेज पे हमें ऐड करना है जो हमने मसाला पीस कर रखा था ना, बस वो मसाला हमें ऐड करना है, और इन सभी को अच्छे से मिक्स करते हुए हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से मसाले की भुनाई करनी है। फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारी इस रेसिपी को कौन से शहर या फिर कौन से स्टेट से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे जानकर बहुत खुशी होती है कि हमारे रेसिपी को अलग अलग शहरों से देखे जा रहे हैं, तो आप भी बताइएगा ज़रूर, ताकि मैं आपका थैंक्स कह सकूँ। देख सकते हैं दोस्तों, मसाला यहाँ पर हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, बहुत अच्छे से भुन चुका है, और मसाले जो है ना हमने जो पीसा था अदरक लहसुन टमाटर वगैरह ना, वो सारा कुछ पक चुका है, उसका सारा कच्चापन जो होता है ना वो भी दूर हो चुका है। इसी स्टेज पे हमें ऐड करना है स्वाद के अनुसार नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, भुना कुटा हुआ ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर और डालेंगे मटन मसाला। इन सभी मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और इसे लो फ्लेम पर अच्छे से भूनते हुए फिर से हमें पकाना है 2 से 3 मिनट के लिए। और ये देखिए दोस्तों, हमने मसाले को अच्छे से फिर से पका लिया। इसी स्टेज पे हमें ऐड करना है चुस्ता, जो कि हमने यहाँ पर 4 चुस्ता लिए हैं। ये मटन की जो शॉप होती है ना वहाँ पे आसानी से मिल जाती है, तो वहीं से हमने मार्केट से ले आया था। उसे धो करके अच्छे से साफ वगैरह कर लिया, उसी के साथ थोड़ी कुछ फैट भी थी वो भी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, और उसे अच्छे से मिक्स करते हुए हमें भून लेना है मसालों के साथ चुस्ता को। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर डिश है मटन चुस्ता, जो कि बिहार की प्रसिद्ध डिश है, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है खाने में। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, ये रेसिपी आपको सच में दोस्तों बहुत पसंद आएगा। हमें ढक करके इसे पकाना है 10 मिनट तक के लिए। 10 मिनट मैंने लो फ्लेम पर पकाया था, और देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा पानी रिलीज़ हो चुका है। ये देखिए, क्योंकि हम इसे कढ़ाई में पका रहे हैं ना, इस वजह से टाइम थोड़ी ज़्यादा लग सकती है, पर टेस्टी बहुत लगती है इस तरीके से कढ़ाई में पकी हुई मटन चुस्ता की रेसिपी। चाहो तो आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हो, प्रेशर कुकर में टाइम थोड़ी कम लगेगी। फिर से हमें इसे ढक करके पकाना है 5 मिनट के लिए, और ये देखिए जितना भी पानी रिलीज़ हुआ था वो सारा कुछ सूखना स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर, और जो ऑयल है वो भी सेपरेट होने स्टार्ट हो गई है, क्योंकि चुस्ता में ना प्रचुर मात्रा में फैट पाई जाती है, इस वजह से ऑयल देखिए हमने कम डाला था, फिर भी इसमें से काफ़ी ज़्यादा ऑयल यहाँ से रिलीज़ हुआ है। अच्छे से मिक्स करते हुए हमें लो फ्लेम पे इसे ऐसे ही पकाते रहना है। ये देखिए, और फिर से हम इसे पकाते हुए करीबन 5 मिनट और हो चुके हैं। बहुत अच्छे से हमारा यहाँ पर जो चुस्ता है वो बहुत अच्छे से भुन चुका है, ऑलमोस्ट यहाँ पर 50% तक अभी कुक हुआ है चुस्ता हमारा। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, किनारे लगे मसालों को भी अच्छे से निकालते हुए हमें इसे मिक्स कर लेना है, और बार बार मिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि क्या होता है ना कई बार मसाले जो है ना कढ़ाई से लगने लगती है, फिर जली हुई टेस्ट किसी भी रेसिपी में अच्छी नहीं लगती। इस वजह से हमने बार बार इसे चम्मच चलाते हुए मिक्स किया, और
यहाँ पर मैंने ऐड किया एक गिलास पानी, छोटा गिलास, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, देखने में बहुत अच्छी लगती है दोस्तों, और खाने में तो पूछिए मत, इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। फिर से हमने 5 मिनट तक उसे ढककर हाई फ्लेम पर पकाया, और ये देख सकते हैं दोस्तों जितना भी हमने पानी ऐड किया था सारा कुछ पानी यहाँ पर सूख चुका है, और बहुत ही शानदार हमारी चुस्ता की ये रेसिपी बन करके तैयार हुई है। रिफ्रेशिंग के लिए हम ऐड करेंगे गरम मसाला और हरा धनिया के साथ गार्निश करेंगे। दोस्तों आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और साथ ही कमेंट करके बताइएगा कि आपको मटन चुस्ता की ये रेसिपी कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह की रोज़ एक नई रेसिपी लेकर आते हैं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, ताकि जब भी हम न्यू रेसिपी अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। बहुत ही ज़्यादा शानदार सुपर डुपर टेस्टी मटन चुस्ता की ये रेसिपी बनकर के तैयार हुई है। ये देखिए, अब बारी आती है सर्विंग की। तो फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर डिश है मटन चुस्ता, और अपना सुझाव हमारे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नए रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय, आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।